हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के लिए वीडियो लेकर आई हूँ हैवी हेयर ऑयल मसाज का। और ये तरीका मैं बिल्कुल ही घरेलू जैसा बताऊँगी, बिल्कुल भी पार्लर वाला ट्रिक नहीं बताने वाली हूँ। ऐसा तरीका बताऊँगी जो नॉर्मली हर घर में होता है, और वैसे ही आपको भी बताऊँगी ताकि आप भी ऐसा कर सकते हो। ये एक रिक्वेस्टेड वीडियो है, मेरे पास रिक्वेस्ट आया था कि मैं नवरत्न का ठंडा तेल जो होता है उसको बहुत सारा तेल हैवी हेयर ऑयल मसाज करके वीडियो लाऊं, पर वो मैं अभी नहीं लाई क्योंकि अभी थोड़ी सी बारिश हो रही है हमारे तरफ और थोड़ा सा मौसम अच्छा नहीं है। तो वो ठंडा तेल अगर मैं लगाऊंगी तो मुझे ठंड लग सकती है। मैं यहाँ यूज़ कर रही हूँ मस्टर्ड ऑयल, और ये घर का ऑयल है, सरसों तेल घर का है, शुद्ध सरसों तेल है। आपको पता ही है शुद्ध सरसों तेल कितने फ़ायदेमंद होते हैं। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ। देखिए, आप चाहे तो इस तरह से जो मांग होता है उस पर थोड़े थोड़े ड्रॉप्स गिरा के तेल के और इस तरह से लगा सकते हैं, बट यहाँ पे रिक्वेस्ट आई है हैवी यानी बहुत ज़्यादा तेल लेके लगाने के लिए। तो ये जो मैं ट्रिक बता रही हूँ ऐसा मैं कंटिन्यू करती हूँ, तो इसमें कोई नहीं है कि मैं केवल वीडियो के लिए कर रही हूँ। मैं ऐसे ही हमेशा तेल लगाती हूँ, इतना सारा तेल पहले मैं ले लेती हूँ और इसको है सो अपने सिर के ऊपर जस्ट इस तरह से रखती हूँ। यानी ये हमारा सिर का ऊपरी भाग है, तारु भी इसको बोलते हैं। आपने अक्सर देखा होगा छोटे बच्चों की जब मालिश होती है तो आखिरी में जब उसके सिर में थोड़ा सा ज़्यादा तेल यहाँ पे रखा जाता है, इसको चानी भी बोलते हैं गांव देहात में, और इस तरह से थपथपाया जाता है ताकि जो तेल है वो अंदर तक घुस जाए, एब्जर्ब हो जाए। तो इससे जो है हमारा मस्तिष्क शांत रहता है, ब्लड सर्कुलेशन भी अच्छी हो जाती है और हमारा हेयर ग्रोथ काफ़ी अच्छा होता है। तो ज़रूरी है बालों में तेल लगाना, बहुत ज़्यादा ज़रूरी। आपने अक्सर देखा होगा ये भी कि आजकल का जो जनरेशन है जल्दी ही सफ़ेद बाल हो जाते हैं लड़के या लड़कियों के। भगवान का शुक्र है कि मैं इतना खाद्य पदार्थ की चीज़ें अभी दुनिया में आ गई है, लेकिन मेरा अभी तक एक भी सफ़ेद बाल नहीं है और मुझे बहुत खुशी होती है। मैं मेहंदी भी कंटिन्यू लगाती हूँ 2 महीने 3 महीने में, कभी मैं जल्दी जल्दी भी लगा लेती हूँ, 15 दिन में भी लगाती हूँ। जैसा मौसम रहता है वैसा मैं बालों में लगाती रहती हूँ या जैसा टाइम मिलता है। तो मेरे बाल अभी तक सफ़ेद नहीं है क्योंकि मैं हमेशा से सरसों तेल लगाती हूँ। बीच में अगर मैं ऑयल बदलती भी हूँ तो फिर घूम फिर के मैं सरसों तेल पे ही आ जाती हूँ क्योंकि ये मेरे घर में अवेलेबल है, क्योंकि हमारे घर में खेती होती है सरसों की और उससे तेल निकलता है, तेल पेराया जाता है जहाँ सरसों जाता है। तो ये शुद्ध सरसों का तेल है, घर का बना हुआ, इसमें कोई भी मिलावटी चीज़ नहीं है, ये डब्बे का तेल नहीं है। अगर आप अपने बालों में हेयर ग्रोथ अच्छा चाहते हैं, बालों की ग्रोथ अच्छी हो, चमकदार हो, मोटे हों बाल, लंबे हों, तो आप शुद्ध सरसों का तेल अपने बालों के लिए यूज़ करिए। और जैसे मैं बता रही हूँ बालों में मसाज करने, हफ्ते में आप एक बार ज़रूर बालों में तेल लगाइए, आपका जो बाल है वो ग्रोथ बहुत अच्छा होगा। केवल आगे ही तेल लगाने से काम नहीं चलेगा, आपको लगाना है सिर के पीछे भी। जितना मैं आगे तेल लगाई हूँ लेके अपने बालों में, उतना ही आपको सिर के पीछे भी लगाना है, और इस तरह से आपको थपथपाने से होगा, तेल स्किन में जाएगा अंदर तक, बालों की जो जड़ें हैं वहाँ तक पहुँचेगी। आपको तेल लेना है पूरा उंगली की 5 उंगलियों में और दोनों यानी 10 उंगलियों में, और आपको इस तरह से बहुत ज़्यादा प्रेशर के साथ ऑयल से मसाज करना है, तेल से यानी सरसों का तेल जो है वो पूरा जो हाथ है उंगलियां हैं उस पे लगनी चाहिए, और इस तरह से ज़्यादा दबाव के साथ करना है, जिससे अगर आपका सिर भी दर्द दे रहा हो तो आपका सिर दर्द ठीक हो सकता है। आप नॉर्मली भी बालों में तेल ऐसे लगा सकते हैं हफ्ते में एक बार, या आपका अगर सिर दर्द बहुत ज़्यादा दे रहा है तो आप इस तरह से लगाइए तो आपको काफ़ी ज़्यादा आराम मिलता है। अगर आपको बुखार है, अगर आपको सर्दी है तो आप सरसों तेल लगाइए, आपको काफ़ी गर्माहट लगेगी और काफ़ी अच्छा लगेगा। आप चाहे तो हल्का सा गुनगुना कर सकते हैं तेल को, और ठंड के दिनों में या बरसात के दिनों में इस तरह से तेल आप लगा सकते हैं। और कोशिश करिए जब भी अपने बालों में तेल लगाइए, कोशिश करिए बालों की जड़ों में तेल लगाने की, क्योंकि जड़ें ही हमारा ग्रोथ करती है, जड़ों से ही हमारे बाल मजबूत होते हैं। तो बालों के ऊपर लगाने से ज़्यादा हमें कहाँ लगाना है, बालों की जड़ों में लगाना है। आप पोषण के लिए थोड़ा बहुत तेल आप बालों के यानी अंतिम छोर तक भी लगा सकते हैं, मैं आपको पूरे बालों में लगाकर दिखाने वाली हूँ। ये मेरा जो बाल है, बाल यानी सिर का जो खोपड़ा है, उधर मैं सारे तरफ तेल लगा दी हूँ। अब मैं आपको इधर भी लगाकर दिखाऊंगी, और
इधर भी लगाना चाहिए, वैसे तो इधर मैं नहीं लगाती हूँ बट मैं आप लोगों ने बोला था ज़्यादा तेल लगाने के लिए, इसलिए मैं यहाँ भी लगा कर दिखा रही हूँ। और ये ट्रिक करने से आपके बाल काफ़ी मजबूत हो सकते हैं। तो आपने अक्सर पुराने ज़माने में ये भी देखा होगा कि पुराने ज़माने के लोगों के बाल जल्दी सफ़ेद नहीं होते थे, काले रहते थे। अभी भी मेरे नानी के बाल काले हैं, बहुत कम सफ़ेद हुए हैं। आप समझ सकते हो मेरी नानी के बाल अभी भी बहुत कम सफ़ेद हैं, यानी काले ज़्यादा हैं सफ़ेद कम हैं, यानी उनकी बाल बहुत अच्छे हैं। तो ये सब चीज़ें क्या हैं सरसों तेल लगाने से होती है। आप खाद की चीज़ें, अब के ज़माने में खाद की चीज़ें बहुत ज़्यादा, हर चीज़ सब्जियां फल सब में खाद डाला जाता है और उसको तेज़ी से बढ़ाया जाता है। तो ये सब खाने के बाद हमारे जो बाल हैं या जो भी है, बहुत सारी दिक्कतें होती है हमारे शरीर के अंदर, तो बालों में भी इफ़ेक्ट पड़ता ही है। बालों में जो भी प्रॉब्लम होती है वो ज़्यादातर टेंशन लेने से भी होती है। तो आप लोग ज़्यादा चिंता मत किया करिए, परेशान मत हुआ करिए, तो सफ़ेद नहीं होंगे। सरसों तेल लगाइए, आपके बाल की जो ग्रोथ है वो भी अच्छी होगी, बाल सफ़ेद भी जल्दी नहीं होंगे। तो बहुत सारे फ़ायदे हैं सरसों तेल के, और मसाज करने से तो और भी ज़्यादा फ़ायदे हैं। तो प्रॉपर तरीका है कि आप बालों में अच्छे से तेल लगाइए, उसको अपने उंगलियों से काफ़ी ज़्यादा मसाज करिए और बहुत देर तक करिए। ऐसा नहीं कि बस थोड़ा सा तेल लिए लगा लिए बस 1 मिनट में हो गया, तो उसको बहुत अच्छे से करिए। तेल लगाने के पहले भी मैं कंघी की थी और तेल लगाने के बाद भी मैं कंघी कर रही हूँ। तेल लगाने के बाद कंघी करना बहुत आसान हो जाता है, देखिए यहाँ मैं बहुत ही जल्दी कर ली हूँ। तेल आप हफ्ते में एक बार लगाइए, जब भी आपको शैम्पू करना है उसके 1 दिन पहले आप बालों में तेल लगा लीजिए और उसके बाद फिर अगले सुबह आप शैम्पू कर सकते हैं। इससे ये होगा कि बहुत लोग पसंद नहीं करते हैं सरसों तेल लगाना, क्योंकि सरसों तेल लगाने के बाद या कोई भी ऑयल लगाने के बाद चेहरा चिपचिपा हो जाता है, काला दिखने लगता है, बीमार जैसा दिखने लगता है। तो आप कोशिश करिए कि 1 दिन पहले लगाइए रात को और अगले दिन आप शैम्पू कर लीजिए बालों में, तो आपका तेल भी लग जाएगा, आपके बाल को मतलब पोषण भी मिल जाएगा, और अगले दिन आप बाल शैम्पू कर लीजिए तो किसी को पता भी नहीं चलेगा कि आप तेल भी लगाती हैं घर में। तो मैं ऐसा ही हमेशा करती हूँ। तो आई होप फ्रेंड्स आपको ये वाला वीडियो पसंद आया होगा, तो पसंद आया होगा तो वीडियो को ज़रूर लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलेंगे मैं अब अगली वीडियो में ऑयल मसाज के साथ। बाय बाय।